बहुत चंगा महसूस हो रहा है। मैं सारे गिदड़वा निवासियों को बेनती करना चाहांगी कि जिस तरह हमेशा हर सुख दुख के विच हमेशा खड़े रहे हैं, कम्मा दी रफ्तार हमेशा कांग्रेस पार्टी दे वेले और राजा जी दे नुमाइंदगी हेठ जिस तरह चलती रही है वह रफ्तार उस तरह कायम रहेगी। और हरेक नु विश्वास तो होनी है कि जिस तरह राजा जी ने काम किया साडा परिवार हमेशा उस तरह उन्होंने सेवा दे विच हाजिर रहेगा और एक एक वोट पंजे ते पा के अपनी भैन कामयाब करन। और जो देश आजाद होया सब तो वड्डी गल है, पहली बार किसी सियासी पार्टी ने किसी औरत को टिकट दिती है, 78 सालों के पहली बार होया। और जिन्हां जिन्ने गिदड़वा डेफिनेटली अपने हल्के दे विच, और मैं सारे गिदड़वा दे विच रहण वाली आपदियां भैणां नूं आपदियां मावां नूं एक बेनती करूंगी कि पहली बार किसी औरत को टिकट मिली है, हर पार्टी लाइन तो उत्ते उठ के हर भैन कृपा करके अपनी भैन का साथ जरूर देवे और मैनू एक मौका दो तो मैं थोड़ी सेवा कर सका। किस तरीके से कोई लग रहा कंपीटिशन में तुसीं अकाली दल नूं हमेशा सद्दा दे रहे सीगे ते मैदान विच आणा पर ओह क्विट कर गए ने? मैं तो पहले ही कहा सी मैदान छड के भज जाणगे, सो किसी तरह का कोई कॉम्पीटिशन नहीं। आपका टीचा साध्या वे सचे पातशाह कृपा करेंगे, किसी विरोधी वाल ना कोई ध्यान है ना रखे है ना रखना है। लगता है टक्कर विच कोई है? कोई टक्कर च नहीं है। देखो जी, मैं समझदा कि मैनूं बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अज मैं अपने सारथी नूं और उस सारथी नूं जिसने हमेशा मोहरी होके आपदा रोल अदा किया होवे। कल मैनूं कोई सज्जन कह रहा सी कि तुहाडी धर्म पत्नी है, मैं क्या बिल्कुल मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन मैनूं वक्-वक् कोनियां तों हमेशा पंजाब दियां तों कदे टेलीफोन आए कि सानूं चंगा लगदा कि जदों तुहाडी धर्म पत्नी सेवा करदी है और पंजाब दे लोगां दे लई खड़ी हुंदी है। सो सारथी अज मैं समझदा कि अहम भूमिका जिहड़ी मेन भूमिका मैं निभाउंदा सी उहदे विच मेरा हमसफर सारथी जी ने मेरी जिंदगी दे मेरे नाल 20 साल बिता के मैनू भी इथों तक कामयाब करन दे विच बहुत वड्डा रोल अदा कीता है और खुद भी अपनी समाज दे विच लोगां दे विच एक प्यार और विश्वास जताया है। और मैं आस करदा, मैनू बेहद खुशी है कि सारे लोग सो सारथी अज मैं समझदा कि अहम भूमिका जिहड़ी मेन भूमिका मैं निभाउंदा सी उहदे विच मेरा हमसफर सारथी जी ने मेरी जिंदगी दे मेरे नाल 20 साल बिता के मैनू भी इथों तक कामयाब करन दे विच बहुत वड्डा रोल अदा कीता है और खुद भी अपनी समाज दे विच लोगां दे विच एक प्यार और विश्वास जताया है। और मैं आस करदा, मैनू बेहद खुशी है कि सारे लोग, क्योंकि गिदड़वा साडा अपना है, साडा अपना परिवार है। मैं कल बोलदा कह रहा सी कि जदों राजा वड़िंग दिमाग, क्योंकि हर गल मैं आपदे दिमाग नाल ते दिल नाल सलाह करदा है, क्योंकि बचपन दी ये मैनू आदत है। 6 साल दी मेरी माँ चली गई सी, 9 साल दा सी जदों मेरा बाप चला गया सी, ते जिंदगी दे बहुत कठिन फैसले लए, लेकिन मैं दिल ते दिमाग नाल सोच के वो फैसले लए। ये दिमाग ये कह रहा सी कि ये बाई इलेक्शन है, साडे परिवार दी 6वीं चुनाव है, क्योंकि 5 चुनाव 4 मैं जित चुके हैं, 2 पार्लियामेंट दे मैं लड़े, एक हार गया एक जितया। सो ये 6वां चुनाव है 46 साल दी उम्र च, औखा समा है चुनाव लड़ने। अजकल दे जमाने च कोई सौखी गल नहीं है, तेरे विच तुहानू जी जान लगा के मेहनत करनी पैंदी है ते बहुत सारा जिहड़ा सरमाया भी खर्च हुंदा है। दिमाग ये कह रहा सी तू चुनाव नहीं लड़ना, कि शरीर भी इजाजत नहीं दे रहा सी कि यार हजे थकावट नहीं उतरी है बाई इलेक्शन दी। दिमाग ने यह समझाया, लेकिन जो दिल नाल गल कीती ते दिल ने कहा कि राजे वड़िंग तू 33 वरियां दी उम्र च इस गिदड़बा दी धरती ते आया सी जो एक नौजवान जवाक सी, इस गिदड़बा दे लोगां ने तेरे मत्थे ते तिलक ला के तेनू अज एडा वड्डा कीता कि हुण जदों फल देण दा समां जां शान देण दा समां आया है ते तू इन्हां नूं छड के नहीं जा सकदा, तू आपदे लोगां दी लड़ाई तेनू इस महायुद्ध दे विच जिहड़ा कि मैं समझदा बाई इलेक्शन एक महायुद्ध हुंदा है उहदे विच होण जा रिहा है ते परिवार डट के खड़े। सो मैं दिल दी गल सुणदिआं होइआं फैसला कीता है कि मेरा सारथी अहम भूमिका दे रूप दे विच
गिद्दड़बा दे लोगां दी सेवा करेगा। सो बिट्टू देखो चाहे मेरा विरोधी है, मैं तो बहुत अजीज है मेरा, पर चलो खटास पैदा हो जाती है जो कोई चुनाव हार जाता है। पर बिट्टू वीर नू मैं कहना चाहना है, ये ना लीडर गल करन लगे सोचते नहीं है कि मैं किस गल करनी है, इसे करके इन्हों की निरंतर छवि गिरती रहती है। इतने सुखबीर जी आए से कुछ कह गए पहला, बिट्टू जी कहना कि बिट्टू जी तुसी खुद पॉलिटिक्स सी, थोड़ी भूआ जी सियासत लैके आए, साडा भरा गुरकीरत काबिल व्यक्ति है, असी उन्होंने टिकट दिती तीन तीन चार चार लोग। मैनू लगता मैं कल भी ये कहा सी क्योंकि व्यक्ति नू सोच के बोलना चाहिए, ये परिवारवाद की गल नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पत्रकार का बच्चा कई बार पत्रकार बनता है, आईपीएस का ऑफिसर का बच्चा आईपीएस बनता है। अगर कोई ना काबिल होवे, अगर कोई ना काबिल होवे उन्हों धक्के नाल किसी कुर्सी पर बिठा दिता जाए तो जनता महसूस करती है कि यह काबिल नहीं सी। लेकिन अगर काबिलियत होवे, दो भरा हो सके, बैस ब्रदर है उदाहरण के तौर पर, दो बार दोवें भरा इंडिपेंडेंट जितते, मेरे कहने का मतलब उन्होंने दोवें की काबिलियत सी। सो बिट्टू जी ये शब्द ना कहन, और अज कागज पर आना ही मैं चंगा लग्या बिट्टू जी जिन्हां नाल मैं चोण लड़ी सी मनप्रीत बादल जी दे। मैं कदे मनप्रीत बादल जी दे खिलाफ नहीं इन्ना कुछ किया जिन्ना बिट्टू जी ने किया, जिहड़ियां बहुत सारिया वीडियोज ते बहुत सारिया गल्लां कि इन्हां नूं कढ़ देना चाहिए। हालांकि मैं मनप्रीत जी नूं हराया सी, लेकिन इस दे बावजूद भी कदे मैं ये नहीं किया भी इन्हां नूं कढ़ देना चाहिए उस वेले जो मेरी इन्हां नाल लड़ाई नहीं सी। सो इस समय जी लीडर नूं मैं कहना चाहना, हर लीडर नूं चाहे वह किसी पार्टी का, जमाना बदल गया है। इतने आए सुखबीर जी कहते असं सरपंचों की इनकुआरी सीबीआई तो करवावे, वो यार सीबीआई तो इनकुआरी थोड़ी होंगी है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस की इनकुआरी होंगी है, वो भी सरकार चाहे तो गल उन्नी करो जी जायज से पाएदार है। भगवंत मान जी ने कहा 13-0, 13-0, 13-0। राजे वड़िंग मीडिया ने पूछा, मैं क्या सब तो वड्डी पार्टी के रूप के कांग्रेस पार्टी होएगी, मैं नहीं दसांगा कि नंबर की होएगा, तो उवें होया 7 सीटा असी जितते। और मैं हुण अज कह रहा सब तो वड्डी पार्टी के रूप के गिद्दड़बाज कांग्रेस पार्टी होएगी, ये लिख के ले लो। अकाली दल की स्क्रिप्टेड स्टोरी है जो चाहते ने, इसे करके अज वो जड़िया मर्यादावां डिग गई। असी अकाल तख्त का सम्मान करते हैं सिख होने के नाते, लेकिन अकाल तख्त की अगवाई कर रहे जेड़े सुखबीर सिंह बादल और बादल परिवार के जेड़े लोग ने, उन्होंने लोगों का विश्वास नहीं है। एक दिन पहला फैसला आना कि चुनाव नहीं लड़िया जाएगा, ये नहीं दसिया भी चुनाव, क्योंकि तनखाइया अगर करार देना है तो केवल सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाइया करार दिता है, लेकिन दूसरा अकाली दल 4 सीटा ते क्यों नहीं चुनाव लड़ रहा? सुखबीर बादल जे नहीं लड़ना ना लड़े। इत्थों लगता है कि स्क्रिप्टेड स्टोरी है, इन्हां कोले बंदे नहीं हन, और खास करके इहदा मतलब जाता यह फैसला देवे अकाल तख्त कि अगले 3 साल तक अगलिया विधान सभा चोणां भी अकाली दल नहीं लड़ेगा। इत्थे तां समझौता होया वी है, राजा वड़िंग 2019 का कह रहा सी कि ताए चाचे दे पुत इकट्ठे है, लोग ये कहंदे सी, लोगों नूं विचारे नूं पता नहीं सी क्योंकि भाषण इस तरह दिंदे सी कि बादल साहब ने मनप्रीत बादल नूं कांग्रेस भेजे है, बादल हुण साहब ने राय करके इन्हां ने हुण भाजपा च भेजे है। सो मेरे कहने का मतलब इत्थे मिले जुले होण दे करके रात नूं फोन करता सुखबीर सिंह बादल हरा ने अकाल तख्त साहब दे जथेदार नूं कि मैनू आ लिख के भेज दे, मैनू बचा दे, ते मैं फ्लैश आउट कर दिया। पर जनता जेड़ी है वो सारी समझदी है कि ये सारे दी सारी स्क्रिप्टेड स्टोरी अकाली दल ते बीजेपी दी अंदर खाते